के बाद एशिया की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी बीकानेर में है, जिसे कृषि उपज मंडी के नाम से जाना जाता है। इस मंडी से करोड़ों की आय होती है, बावजूद इसके पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। किसान और व्यापारी दोनों ही यहां के हालात से परेशान हैं। इस मंडी की हालत देखकर क्या आप कह सकते हैं कि ये एशिया की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी है। इस मंडी में मूंगफली के अलावा मोठ, ग्वार, बाजरा, जीरा जैसी अनेक फसलें भी बड़ी मात्रा में बिकने के लिए आती हैं। लेकिन इस बार बारिश ने अनाज मंडी में व्यवस्था की पोल खोल दी है। हर जगह पानी और कचरा जमा है। मंडी में पानी की निकासी के लिए बनी नालियां महीनों से जाम पड़ी हैं। इसकी साफ सफाई की फुर्सत किसी को नहीं है। जगह जगह पानी इकट्ठा होता है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से आने आने वाले दिनों में हो सकता है कि यहाँ पर मच्छर वगैरह हो जाए और महामारी की कोई आशंका हो सकती है। नालियां तो अधिकांश जगहों पर बनी हुई नहीं है, और बनी हुई है वो बंद है, और बंद है तो किसी पे टक्कर नहीं है, किसी की सफाई नहीं हो रही है। लेकिन अधिकारी की दलील आप खुद सुन लीजिए। तोड़ा हुआ जो है उस साइड में कचरा उसके पास है, उसमें उठाव नहीं हो पा रहा, क्योंकि मंडी की साइड की जो है उस नाली के अलावा कुछ कॉलोनी वाले जो उसकी चिपती हुई कॉलोनी है, उस कॉलोनी के निवासी भी उधर से डोड़ी जो दीवार है उस पे से कचरा इधर यार्ड के अंदर डालती है। हमने काफी पिछले दिनों उठवाया था, उनको रोका भी है, कुछ उस वजह से भी यह व्यवस्था है। कुछ नाली का निर्माण जो है वो भी दोबारा अच्छे ढंग से होगा, उसके बाद से व्यवस्था है। बाकी इस मौसम की वजह से ऐसा है, बरसात की वजह से, अदरवाइज हम फिर भी उसको रोज साफ सफाई करवाते हैं। इस मंडी की सालाना आय 18 से 20 करोड़ रुपए है। इसके बाद इसकी हालत इतनी बदतर है कि चाहे व्यापारी हो या किसान, सभी परेशान रहते हैं। मंडी व्यापारियों और किसानों की माने तो पर्याप्त बजट होने के बावजूद सड़क और नालियों का निर्माण नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से आज ये दिक्कत है। यहाँ कृषि मंडी में खूब बजट है। पहले के जमाने में 1 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया अगर मंडी आय होती है तो उसमें 4 करोड़ रुपए का किसानों के लिए पिड़ की व्यवस्था, किसानों के लिए तिरपाल की व्यवस्था, किसानों की सुविधा के लिए यह मंडी है। यहाँ किसानों की सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। अध्यक्ष महोदय सीट पर बैठे हैं, सचिव साहब सीट पर बैठे हैं, मजा कर रहे हैं, कोई किसी की सुनाई नहीं हो रही है। किसान अपनी फसल लाकर कहाँ रखे, इसका भी इंतजाम नहीं है। करीब 10 महीने पहले 15 करोड़ की लागत से 9 टीन शेड बनाए जाने की कवायद की गई थी, लेकिन हालात ये है कि अब तक 1 टीन शेड भी नहीं बन पाया है। यहाँ पे क्या तेज बारिश में आपकी फसल को नुकसान हो रहा है? फसल जगह का ना डेरी कर नहीं भाई। अच्छा, माल सारा नाश हो जा, गंदगी पड़ी होती है, गंदगी पड़ी है ना, गंदगी में खराब हो जाती है, गंदगी में खराब हुई और क्या है, बहुत परेशान हुआ, अब भी परेशान हुआ, आगे धोने होना है। अगले महीने से मूंगफली की फसल इस मंडी में आने लगेगी, लेकिन जगह के अभाव में सड़क पर ही रखना किसानों की मजबूरी है। किसान चिंतित हैं और अधिकारी बेपरवाह। कहीं ऐसा न हो कि रखरखाव के अभाव में एशिया की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी होने का तमगा ही बीकानेर से छीन लिया जाए। बीकानेर से केके सिंह के साथ सहारा न्यूज ब्यूरो।